स्टूडेंट, हियर आई एम संगीता। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 8, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन ऑफ क्लास 7। इससे पहले जो हम चालू करें अपना ये चैप्टर, सेमेस्टर्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, 15 दिसंबर से हैं आपके एग्जाम्स। सो स्कूल के ऑफिस में से आप असाइनमेंट जो है वो कलेक्ट कर सकते हो और उसको आप अच्छे से रीड करो, लर्न करो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज 8, दैट इज विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। अब विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन क्या होता है, इसका मेजर रोल क्या है, हमें पढ़ना क्यों है, तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी, ज़रूरी है। बिकॉज अगर कभी भी कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर्स अगर होते हैं हमारे आजू बाजू में, तो हमें कौन से कॉशंस लेने हैं, कौन से प्रिकॉशंस पहले से रखने हैं, क्या चीज़ें करनी है उस टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है ताकि आप अगर कोई डिफ़िकल्टीज में पड़ जाओ तो आप उसमें से आप अपने आप को प्रिकॉशंस ले सकें। सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो साइक्लोन क्या होता है, विंड स्टॉर्म क्या होता है और विंड क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। नाउ साइक्लोन क्या होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से उसको बुलाया जाता है, जो हम बोलते हैं भवंडर। ओके, साइक्लोन जैसे कि इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं उसको, और विंड का जो भवंडर अगर अमेरिका के साइड में, जो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ साइक्लोन, सॉरी हरिकेन बोलते हैं उसको, अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं, वेयर इज इंडिया में उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। जो वाटर का एकदम स्पाइरल फॉर्म में ज़ोर ज़ोर से अगर जो वाटर है वो घूमना चालू करे एंड उसमें जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, सो वो उसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। वेयर इज स्पाइरलिंग विंड फॉर्म इन द ट्रॉपिकल सी, एकदम ज़ोर ज़ोर से स्पाइरल फॉर्म में अगर कोई विंड की प्रेशर्स के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर में मूवमेंट हो रही है, वो भी 120 किलोमीटर पर हवर में, एक घंटे में 120 किलोमीटर्स के हवर किलोमीटर्स में वो स्पाइरल जो है वो घूम रहा है वाटर में, वो जो विंड है वो घूम रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। टू फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर रीजन इन द सी एंड मूविंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर, लो प्रेशर पे वो भी बहुत ज़ोर से घूमना, एक 120 किलोमीटर्स पर आवर पे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन बोलेंगे। और इसी को हम प्रूफ करते हैं कि क्या होता है, कि एयर जो है वो सही में एग्जर्ट होती है क्या कोई भी डिजास्टर्स में। सो उसी को टू प्रूफ एयर एग्जर्ट्स मतलब एयर प्रेजेंट है, एयर के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उसी को हम जानने के लिए हम क्या थोड़े बहुत हम लोगों को एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो मैंने जो लिखे हुए एग्जाम्पल्स वो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रूफ करो एयर एग्जर्ट्स है कि नहीं है, सो यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल्स। नाउ वही एयर एग्जर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। जब अगर कहीं पे जोर से प्रेशर लगे तो क्या होगा, हमें भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर विंड की स्पीड जो है वो इस तरफ से, विंड जो है वो इस तरफ से ब्लो कर रही है और हम साइकिल भी इसी तरफ से चला रहे हैं, तो क्या होगा, हमें ज़्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम आगे मूव कर सके, और वही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट में प्रेशर बोलते हैं, कि हम प्रेशर लगाएंगे तो ही क्या कर सकते हैं, विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। तो लो प्रेशर पे अगर हम मूव कर रहे हैं देन दैट मीन्स प्रेशर इज देयर। यू कैन फील व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल व्हेन यू फ्लाई अ काइट, और ये भी होता है ना कि काइट डे पे जब आप काइट को उड़ाते हो तो आप ये देखते हो कि विंड जो है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो उसी डायरेक्शन में आप क्या करोगे, काइट को फ्लाई करोगे। तो सेम काइट के डायरेक्शन के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि विंड कौन से डायरेक्शन में और उसमें कितना प्रेशर लग रहा है। अब जब हम काइट उड़ाते हैं तो यू कैन इमेजिन, जो काइट उड़ाते हैं तो वो जो आपको थ्रेड है वो भी आपको क्या लगता है, हैवी लगने लगता है, क्योंकि वो प्रेशर जो है वो काइट के अंदर की साइड पे बहुत ज़ोर से पड़ रही है इसीलिए। नाउ व्हाइल रोइंग अ सेल बोट, अब जब हम लोग वाटर में बोट चलाते हैं, बोट चलाने पर जो चप्पू होती है, अगर हम ऑपोजिट विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चप्पू चलाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, उस डायरेक्शन में जा सकें। लीव फॉल्स फ्रॉम द ट्री ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड, और जब ट्री होती है, ट्री के जो लीव्स होते हैं जब ज़ोर से हवा चलती है तो ही जो है वो लीव नीचे जाकर गिर जाते हैं। तो दीज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द टू प्रूव एयर एग्जर्ट्स दैट इज़ प्रेशर।
अब लो प्रेशर क्या होता है? अ रीजन ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर विच इज एट द लो प्रेशर. कम जैसे कि एकदम गर्म वाली हवा और जैसे कि मॉइस्चर वाली अगर एयर जो है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और वही जो प्रेशर है एकदम कम मतलब लो प्रेशर मतलब बहुत कम ही प्रेशर लग रहा है कोई भी चीज़ पे, देन इट इज़ नोन एज टू बी एन लो प्रेशर. देन सराउंडिंग प्रेशर्स, अपने सराउंडिंग प्रेशर से कंपैरिजन टू सराउंडिंग प्रेशर जो प्रेशर होगा वो लो होगा, देन इट इज़ नोन एज टू बी इन लो प्रेशर. अब प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एग्जर्टेड बाई एन एयर, जो भी एयर के थ्रू क्या हो रहा है फोर्स लग रही है, देन इट इज़ नोन एज टू बी एन प्रेशर. एग्जाम्पल्स, दूसरे एग्जाम्पल्स हैं ताकि हम प्रूव कर सकें कि जो स्पीड ऑफ विंड की जो स्पीड है वो क्या करता है, एयर के प्रेशर को कम कर देता है. As for example, अगर विंड जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है और हम भी साइकिल इसी डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हमें पेडल ज़्यादा नहीं मारना पड़ेगा क्योंकि एयर जो है वो इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो हम इजीली अपना साइकिल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो राइड कर सकते हैं. तो सेम वही बोल रहे हैं कि अगर प्रेशर विंड जिस डायरेक्शन में और प्रेशर भी उसी डायरेक्शन में लगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा. सो विंड की स्पीड भी क्या करती है, एयर के प्रेशर को रिड्यूस कर देती है. टू प्रूव दैट द इंक्रीज विंड स्पीड रिड्यूसेस द एयर प्रेशर, वेयर इज एग्जाम्पल के साथ में हम समझ लेते हैं, बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. नाउ व्हेन द विंड स्पीड इज वेरी हाई द रूफ ऑफ द हर्ड्स और द डाउन्स आर ब्लोन ऑफ. अब ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि घर के जो छत होते हैं जिसमें अगर रूफ्स प्रेजेंट होती है, रूफ्स मतलब पतरे बोल सकते हो, तो रूफ प्रेजेंट होती है, तो रूफ जो है अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चलने लगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रूफ है वो उखड़ जाएगी, निकल जाएंगे. तो सेम इसी की वजह से क्या होता है, अगर प्रेशर जो है इधर का जो प्रेशर है रूफ का जो प्रेशर है वो अब हल्का हो चुका है, इसीलिए जब विंड आएगी तो क्या हो सकता है, वो निकल सकता है. इस वजह से ही आपने देखा होगा मोस्टली के पत्रों के ऊपर हम या तो फिर ब्रिक्स रखते हैं या तो फिर ऐसा कोई भारी चीज़ रख देते हैं कि अगर ज़ोर से कभी हवा आए तो क्या हो, वो रूफ जो है वो निकल ना जाए. वो रीज़न है बिकॉज अगर विंड बहुत ज़्यादा तेज़ से हो, तेज़ी होगी बहुत ज़्यादा अगर फास्ट होगा तो क्या हो सकता है, रूफ जो है वो अपने पोजीशन से रिमूव हो सकता है. इसीलिए इट इज़ बिकॉज व्हेन द विंड ब्लोज हार्ड टोवर्ड द रूफ द एयर प्रेशर फॉल्स, और जब भी कभी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चलती है तो रूफ का जो एयर प्रेशर है उसके नीचे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने के वजह से वो रूफ जो है वो निकल जाएंगी. दस द एयर प्रेशर बिलो द रूफ एग्जर्ट्स फोर्स द एंड ब्लोज द रूफ, और इस वजह से ही क्या हो सकता है, रूफ निकल सकता है. दूसरा एग्जाम्पल है द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन. अब एरोप्लेन का आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ, वो कैसा रहता है, एकदम स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर रहती है, और उसके जो विंग्स रहते हैं वो भी कैसे रहते हैं, एकदम स्ट्रेट और थोड़े कर्व लाइक रहे, मतलब थोड़े बेंड रहते हैं. सो बिकॉज क्यों क्यों ऐसा, बिकॉज जब भी कभी अगर एरोप्लेन को रनवे से ऊपर जाना रहता है तो ऊपर वाले जो विंग्स हैं उसके, उसमें क्या होगा, एयर का जो प्रेशर होगा वो लो होगा, और नीचे से जो होगा वो एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा, ताकि वो क्या कर सके, ऊपर की तरफ वो मूव कर सके. द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट द एयर अबोव देम मूव्स फास्टर. और तो और उनका ऐसा उन्होंने बनाया है वो एरोप्लेन कि अगर एयर जो है अगर एग्जिट बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, विंड का अगर स्पीड ऑफ विंड अगर बहुत ज़्यादा होगा, फास्ट होगा, तो उसमें एयर का जो प्रेशर होगा उसको वो कट ऑफ करके वो जा सके, इसीलिए उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन बनाई गई है. When aeroplane runs on the runway in order to take off, the pressure of air above the wings, above the wings is small in small quantity than that of the lower wings. जो ऊपर वाले पोर्शन के जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो लेस होगा और नीचे से जो प्रेशर है वो हायर अप होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे किसका, टू प्रूव द इंक्रीज्ड विंड प्रेशर, ओके, रिड्यूसेस द एयर प्रेशर. हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द टॉपिक्स एंड थैंक यू.